के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। भारत के पाकिस्तान पर विश्व कप में लगातार 7वीं ऐतिहासिक जीत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी टीम इंडिया व कप्तान कोहली को बधाई और आगे आने वाले मैचों के लिए दी शुभकामनाएं। कैंट पुलिस ने चोरी की 10 बाइकों के साथ 3 वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। एसएसपी ने कहा अंतर जनपदीय वाहन गिरोह के रूप में थे सक्रिय इशारे लुटेरे। पूर्वोत्तर रेलवे महिला कल्याण संगठन एवं पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ डोनर्स डे पर रक्तदान शिविर। रेलवे के जीएम सहित अधिकारियों और कर्मचारियों खिलाड़ियों ने किया रक्तदान, कहा रक्तदान है महादान। एसएसपी की अध्यक्षता में संपन्न हुई दक्षिणी क्षेत्र के अपराध की समीक्षा बैठक। महिलाओं की सुरक्षा के साथ अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के दिए निर्देश। एसडीएम सदर के नेतृत्व में राजस्व व पुलिस की टीम ने हटाया अवैध कब्जा। एसडीएम ने बताया सड़क चौड़ीकरण में बाधा उत्पन्न कर रहे थे सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण। झंगा थाना क्षेत्र में युवक की पिटाई के वायरल वीडियो पर झंगा पुलिस ने की कार्रवाई। दोनों आरोपी युवकों को लिया हिरासत में, कहा होगी कानून हाथ में लेने के जुर्म में विधिक कार्रवाई। साप्ताहिक योग प्रशिक्षण शिविर में दूसरे दिन योग की प्रासंगिकता विषय पर साप्ताहिक योग वक्ताओं ने व्यक्त किए अपने विचार, कहा योग से स्वस्थ और स्वच्छ रहता है शरीर। एएसपी के नेतृत्व में 9 प्रशिक्षु आर्चियों ने किया पुलिस लाइन परिसर में साफ सफाई। एएसपी ने कहा प्रत्येक व्यक्ति सफाई पर रखे ध्यान, तभी होगा देश महान। राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ के अधिवेशन व चुनाव हुआ संपन्न। कृष्ण मोहन यादव जिला अध्यक्ष व विनय यादव चुने गए सचिव। भारत विकास परिषद की गोरख प्रांत के प्रथम प्रांति कार्यशाला का हुआ आयोजन। परिषद के उद्देश्य पर डाला गया प्रकाश। और समर कैंप के समापन पर नन्हे मुन्नों ने प्रस्तुत किया सांस्कृतिक कार्यक्रम, दर्शक हुए मंत्रमुग्ध।